मैं काज करिबे को। जिस व्यक्ति को काम सिद्ध करना हो, अपना कार्य सिद्ध करना हो, चार नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। और श्री हनुमान जी प्रथम ऐसे देवता हैं, इसलिए इनको महावीर कहा गया। लक्ष्मण जी हैं वीर, राम जी हैं रघुवीर, लेकिन हनुमान जी हैं महावीर। चार नीति, साम, दाम, दंड और भेद, इन चारों नीतियों का प्रयोग लंका में किया है हनुमान जी ने। साम, साम यानी हाथ जोड़कर। सबसे पहले रावण के दरबार में गए, इतने बलवान हनुमान जी, बताओ भाई किसी तुम्हारे पास बंदूक हो, कोई हल्को सो कट्टा दिखाए, तुम तुरंत तान दे, रुक जा ठटरी के भरे, सावधान हो जा। पर धन्य है वीर बजरंग बली, क्या अद्भुत लीला। सबसे पहले रावण के सामने गए तो हनुमान जी बल नहीं दिखा रहे, हाथ जोड़े। और हाथ जोड़कर देखो तो शब्द शैली देखना, क्या कहते हनुमान जी, प्रभु कहते रावण को, हे रावण खायो फल प्रभु लागी भूखा। देखो तो प्रभु का प्रयोग कर रहे, स्वामी का प्रयोग श्री हनुमान जी कर रहे। पहले हाथ जोड़ रहे, शायद रावण मान जाए, लेकिन रावण हाथ जोड़े नहीं माना। तो हनुमान जी कहते विनती करो जोर कर रावण, हे रावण मैं विनती कर रहा हूं, लेकिन रावण नहीं माना। हनुमान जी बोले चलो पहली नीति तो फेल हो गई, अब दूसरी का प्रयोग करें। तो हनुमान जी दूसरी नीति दाम, दाम का मतलब होता है लालच। हनुमान जी रावण को लालच भी देते हैं, बोले क्या, राम चरण पंकज और धरहूं लंका अचल राज तुम करहूं। हे रावण हमारी विनती मान जाओ, हम तुम्हें बताते हैं। लालच दे करके हनुमान जी कहते हैं अगर तुम राम जी के चरणों का ध्यान करोगे तो तुम लंका का अचल राज्य करोगे। लेकिन रावण नहीं माना, तब हनुमान जी समझ गए दूसरी नीति भी फैल। पर तीसरी सुनो, तीसरी नीति का प्रयोग साम दाम दंड। हनुमान जी रावण को दंड बताते हैं, हे रावण शंकर सहस विष्णु अज तो ही, हजारों शंकर हजारों विष्णु भी भगवान राम के कोप से बचा नहीं सकते, और राक्षसों को मारकर कछु मारस कछु मरदसे कछु मिली हस धर धूर कछु पुन जाय पिका पुकारे प्रभु मर कट बल भूर। धन्य है वीर बजरंग बली, कछु को मारा कछु को छोड़ा कछु को घसीटा कछु के रगड़ दो खर्रा जैसो हनुमान जी महाराज ने। तो यहां दंड का प्रयोग किया, पर दंड नीति भी फेल हो गई। तब हनुमान जी ने फिर भेद नीति का प्रयोग लंका में किया, और वो पास हो गई हनुमान जी की भेद नीति। रावण का भाई विभीषण, विभीषण के घर पर हनुमान जी गए, और जाकर के रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णन जाए नव तुलसी का बृंद तहे देख हरस कपि राय। तुरंत विभीषण से राम राम तही सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, यही सन हट करिहौ पहचानी, इससे पहचान बना लेनी चाहिए। तो हनुमान जी ने यहां पर भेद नीति का प्रयोग किया, सगे भाई को राम जी का पाठ पढ़ा दिया। और भेद में भी हनुमान जी ने दो बार तीर मारा, एक बार घर गए, दोबारा जब लंका जलाई तो सबका घर जलाया, पर एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण जी का घर नहीं जलाया। तो किसी ने कहा हनुमान जी ने ऐसा क्यों किया, बोले इसका असर बाद में लगा। कई बार नीति तुरंत सफल नहीं होती, बाद में होती है, और नीति भी बड़ी खतरनाक होती है। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो नीति से ही लड़ते हैं। हाँ, लेकिन धन्य है वीर बजरंग बली, धन्य है हनुमान जी, नीति ये बाद में असर हुई। जब हनुमान जी चले गए तो एक दिन रावण ने विभीषण को घर बुलाया, इधर आओ एक बात बताओ, जो बंदर आया था सबसे पहले तुम्हारे घर पे गया, पूरी लंका जलाई बस तुम्हारा घर नहीं जलाया, लगता है तुम्हारी कोई साठ गांठ हो गई, कुछ हो गया। और यहां पर ये जो है भेद नीति सफल हो गई हनुमान जी की। तो धन्य है हनुमान जी, लेकिन हनुमान जी काम करके आ गए, राम काज करके आ गए। हम लोग काम काज में विदे, हनुमान जी राम काज में विदे, इसलिए गोस्वामी जी ने श्री हनुमान चालीसा में लिखा। राम काज करिबे आ
अजी करी बे को आतुर राम काज करी बे को आतुर आगे की गोस्वामी जी चौपाई क्या लिखते प्रभु चरित्र सुन बे को रसिया सीता मन बसिया राम लखन सीता।